कोविड-19 आपदा के दौरान प्रदेश सरकार को भारतीय खाद्य निगम की ओर से बड़ी मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया गया। एफसीआई के क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजीव भास्कर का इस पर कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष के तहत 6,69,863 मीट्रिक टन और एनएफएसए के तहत 6,13,912 मैट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो लोग एनएफएसए योजना में कवर्ड नहीं होते उनके लिए राज्य सरकार ने 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 34,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की जा रही है। इस दौरान संजीव भास्कर से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश कसाना ने। कोरोना काल में भारतीय खाद्य निगम भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में रहा है। राजस्थान सरकार ने भी कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोहे इस संकल्प के साथ कार्य किया और लोगों को राशन सामग्री मुफ्त में अवेलेबल करवाई। पिछले कई 2 से 3 महीने तक एनएफएसए के तहत लोगों को निःशुल्क गेहूं वितरित किया गया। हमारे साथ है क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजीव भास्कर। भास्कर साहब, कितनी गेहूं है वो लॉकडाउन की अवधि में लोगों को अवेलेबल करवाया गया? देखिए, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से भारत सरकार ने एनएफएसए के अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट योजना शुरू की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में एनएफएसए के जितनी ही स्टॉक्स जो है प्रति लाभार्थी निशुल्क उपलब्ध कराया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 3 महीनों में टोटल 6,69,000 मैट्रिक टन गेहूँ भारत सरकार की तरफ से एनएफएसए के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सरकार को जारी किया जा चुका है एफसीआई के माध्यम से। अभी तक 100% गेहूं दिया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो अभी आई है, जिसके अंदर प्रवासी मजदूर और वैसे लोग जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, जो किसी भी और योजना का हिस्सा नहीं है, उनके लिए भी भारत सरकार ने एलोकेशंस दी हैं, जिसके अंदर भी पूर्ण रूप से मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम में अभी तक 25,000 टन गेहूं दिया जा चुका है राज्य सरकार को। इन दोनों ही योजनाओं का पूर्ण रूप से खर्चा भारत सरकार वहन कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कुल खर्चा लगभग 1,875 करोड़ रुपया जो भारत सरकार द्वारा वहन किया गया, और इस आत्मनिर्भर भारत स्कीम का जो खर्चा है करीबन 190 करोड़ रुपया, वो भी भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया गया है। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की जा रही है ताकि किसानों को इस लॉकडाउन की अवधि में राहत मिल सके। कुछ एक्स्ट्रा खरीद भी राज्य सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कितनी अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है और कितने केंद्रों पर राजस्थान में हो रही है? देखिए, लॉकडाउन का पीरियड हमारा जो खरीद का पीरियड है वो दोनों को इनसाइड कर गया इस बार। ये जो है खरीद हमारी शुरू जो नॉर्मली 1 अप्रैल से होती है उसको डिले किया गया कोरोना की वजह से। 16 अप्रैल से हमारी खरीद शुरू हुई कोटा डिवीजन में और 25 अप्रैल से बाकी स्टेट की बाकी डिवीजन्स के अंदर। पिछले ये 1 महीना और 1.5 महीना और 9 तारीख तक अब हम लोगों ने करीबन 16,92,000 मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान के किसानों से खरीद कर लिया है, जिसके अगेंस्ट 2250 करोड़ रुपए की पेमेंट की जा चुकी है। और ये जो गेहूं की खरीद हुई है ये पिछले कई सालों में एक रिकॉर्ड खरीद की गई है और एक रिकॉर्ड समय में की गई है। ऊपर से कोरोना संकट काल के दौरान इसमें सारी कोरोना से रिलेटेड जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो सारी सावधानियां बरतते हुए ये खरीद की गई है और अभी भी ये खरीद जारी है। 30 जून तक ये निरंतर जारी रहेगी। हमें अभी और उम्मीद है कि हम 3 लाख टन करीबन और इसमें गेहूं खरीदा जाएगा। जो नॉन एफएसए में आते हैं उनको गेहूं नहीं मिल पा रहा था, उसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया और एफसीआई से एक्स्ट्रा खरीद की है। कितने अभी तक राज्य सरकार ने खरीद किया और कितना उस पर राज्य सरकार जी? कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जो एनएफएसए में कवर्ड नहीं है लेकिन राज्य की अन्य स्कीम्स के अंदर कवर्ड होते हैं, उनके पास कार्ड है, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए भारत सरकार ने 3 महीने का अप्रैल, मई, जून का 5 किलो प्रति लाभार्थी के लिए राज्य सरकार को अलाउ किया है। लेकिन वो जो है उस स्कीम का सारा खर्चा जो है राज्य सरकार को खुद वहन करना है। अभी तक राजस्थान सरकार ने
34,000 मैट्रिक टन गेहूं उस स्कीम के तहत लिया ले चुके हैं और 24,000 मैट्रिक टन और लेने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तीन महीने तक एनएफएसए के जो लाभार्थी हैं उनको निःशुल्क ये गेहूं का वितरण किया गया है, लेकिन लॉकडाउन अभी बढ़ा दिया गया है, पांचवा चरण अभी चल रहा है, तो क्या आगामी जुलाई के महीने के लिए भी इसको लागू रखा जाएगा निःशुल्क वितरण? देखिए, आगामी इसमें जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो भारत सरकार द्वारा लिए जाएंगे। जहाँ तक राजस्थान क्षेत्र का सवाल है एफसीआई का, हमारे पास बहुत बहुत अच्छी मात्रा में गेहूं उपलब्ध है। हमारे पास इस वक्त 17,00,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं हमारे गोदामों में उपलब्ध है। आगामी समय में कोई भी स्कीम ऐसी आती है जिसमें हमको डबल मात्रा में या उससे ज़्यादा मात्रा में भी गेहूं देने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आराम से उस गेहूं को देने की स्थिति में हैं। तो ये थे संजीव भास्कर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, जिनका कहना है कि पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष के तहत गरीबों को राशन वितरित किया गया, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको भी राशन सामग्री वितरित की जाएगी, एफसीआई की ओर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने जो संकल्प लिया कोई भी भूखा नहीं सोएगा, जिसके तहत जो नॉन एनएफएसए में आते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त गेहूं की खरीद की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।